अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे व्लॉग पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और काफ़ी दिन बाद जो है वो मेरा व्लॉग बन रहा है, और क्यों बन रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट की इशू है, इस वजह से व्लॉग नहीं बन पाता है। और अभी भी देखिए लाइट नहीं है, तो क्या बनाएँ यही सोचते हैं। और तो मेरा जो है वो काम सारा यहाँ पर अम्मी के घर में हूँ, मैं अम्मी के घर पर ही हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो काम हो चुका है और अभी थोड़ा बहुत रह गया है। तो अभी भी जैसे कि आप लोगों को पता है लाइट नहीं है, और लाइट के बगैर कोई काम आपका नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है, क्योंकि लाइट नहीं होती तो गर्मी में काम करने का भी दिल नहीं करता, और फिर व्लॉग शूट करना मास्क के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट काम है। तो इस वजह से, और अभी भी इतनी ज़्यादा कोई गर्मी है, अभी लाइट जो है वो हमारी 2:30 बजे गई है ना, तो आ जाएगी 6 बजे आ जाएगी हमारी लाइट, फिर उसके बाद 1 घंटा लाइट रहेगी, फिर उसके बाद लाइट नहीं होगी, तो फिर किस तरह से बनाऊँ मैं व्लॉग, अंधेरे में नहीं बन पाता। और UPS भी जो है वो लगा कर देख लिया, जनरेटर भी लगा, अभी इतनी ज़्यादा लाइट जाती है तो ना UPS काम करता है और ना ही जो है वो जनरेटर से काम होता है। तो अभी जो है वो मैंने कहा चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते, काफ़ी दिन हो गए, और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जाहिर सी बात है अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना। तो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो है मैंने कहा चलो बना लेते हैं व्लॉग। और ये आपको पता है गर्मी में जो है मुझे अभी मास्क भी जो है वो दूसरे लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म फैब्रिक है तो बहुत ज़्यादा मुझे इरीटेट होती है, इतने इससे में एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी जो है वो काम वगैरह जो है वो सारा हो चुका है फाइनली, और अम्मिया जो है वो हानिया के साथ खेल रही है। तो आप लोगों को जो है मैं एक चीज़ बताना चाह रही थी, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, ये वाली जो टेबलेट है वन डे टेबलेट जो है वो ये USA से जो है वो भाई ने भेजी थी मेरे लिए, मैं भी खाती हूँ, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए, ठीक है, वुमेन की जो वो दूसरी आती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेबलेट है। और इसके जो है वो 6 इसके फ़ायदे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, हार्ट को मजबूत करती है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी करती है, बाल अच्छी करती है, और फुल एनर्जी, हार्ट भी जो है आपका मजबूत होता है, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो एनर्जी फुल है। और सिर्फ एक दिन में एक ही टेबलेट लेनी है, और मेरी जो है वो भाई ने भेजी, यहाँ काफ़ी कॉस्टली है ये, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है, मैंने यहाँ से मालूम करवाया था, तो ये अभी जो है वो वहाँ पर जो USA में सब यही खाते हैं, इसमें हर चीज़ है, आपको पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है, बट खाना पेट भर कर नाश्ता करने के बाद ही खानी है। तो ये मैं भी जो है वो जो है मेरे टांगों में बहुत ज़्यादा पेन था, शदीद दर्द रहता था, तो मैंने जो है वो भाई से कहा था, तो मेरे भाई ने जो है मुझे भेजी थी, और अब अम्मी के लिए भी भेजी है, क्योंकि अम्मी शुगर पेशेंट है, अम्मी के पैरों में शदीद दर्द रहता है इसलिए। तो मैंने अभी जो है वो बंद कर दी, मैंने सिर्फ, मुझे तो भाई ने बहुत ज़्यादा बड़ा बक्स भेजा था, इसके दो जो है वो आप ज्वाइंट कर लो, तो इतनी बड़ी थी ये, देखें, तो ये काफ़ी अच्छी है, और यहाँ भी मिल जाती है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम नहीं अफोर्ड कर पाते, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 7000 की थी, ठीक है, 7000 की है यहाँ पर, और ये छोटी वाली मैंने नहीं मालूम की थी, जो मेरे पास भाई ने मुझे बड़ी भेजी थी वही मैंने जो है वो यहाँ पर पता करवाया था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको खाने से मेरे पैरों का दर्द सही हो गया, सॉइलिंग मेरे पैरों में रहती थी वो सही हो गई, बाल, स्किन, दांत कैल्शियम फुल देती है आपको। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को फिर एक दफ़ा जो है वो बता दूँ इस बारे में, अगर आप लोगों को खाना, आप अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ भी मिल जाती है आसानी से। तो यहाँ जो है अम्मी और अब्बू के लिए, दोनों के लिए भेजी है, वहाँ सब यही खाते हैं, वहाँ पता है आपको डॉक्टर नहीं होते ज़्यादा, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यहाँ जैसे हम हर गली हर जगह पर आपको मिल जाते हैं डॉक्टर, कभी कभी जो है वो हेल्थ के लिए सही नहीं भी रहते, मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है, एक दफ़ा मैंने भी जो है वो यहाँ से दवाई ली थी और डॉक्टर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ट गोली दे दी थी, जैसे जिससे मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा, और वो भी रमज़ान के दिन थे, मेरा रोज़ा था, मैंने रोज़ा रखा और डॉक्टर ने जो है वो देखा नहीं, मैंने उनको बताया था कि मुझे जो है वो ज़्यादा हाई पावर की गोलियाँ नहीं चलती टेबलेट्स, और उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी
पावर की गोली दे दी और मेरा रोज़ा था, मैंने सेहरी में उसे खाकर और जैसे मैं नमाज पढ़ के सोने लगी, उसके बाद अंदर से जो है मुझे खेच इतनी ज़्यादा हो रही थी और मैं रोज़ा भी नहीं तोड़ सकती थी। फिर मैं आपको जो है वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बताया नहीं था, मैंने आपको क्लियर किया था कि मुझे ज़्यादा हार्ट पावर की गोलियाँ नहीं चलती है, ठीक है। गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा है। तो फिर जो है वो तब से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, जब भी दवाई लेने जाती हूँ ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी लो रहता है, जिस वजह से फिर लो ब्लड प्रेशर भी अच्छा नहीं है और हाई भी अच्छा नहीं है। तो लो में जो है वो लो की वजह से जो है वो काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और अभी जो है वो इसके बाद ऐसे वैसे डॉक्टर के पास जाना मैं जो है वो अच्छा नहीं समझती। टेबलेट में जितना हो सके ना मेडिसिन नहीं लेती, बहुत ही ज़्यादा कम लेती हूँ, भले मैं देखती हूँ कि कितना मेरी बॉडी जो है वो कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है। कोशिश यही है कि टेबलेट कम से कम लेती हूँ मैं। अपनी बात बता रही हूँ, बोर मत होना क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ एक बात की। क्या कर रही हो बेटा? तो बस यही बातें थी, और देखे कितनी जो है बातें कर लेती हूँ मैं, इतना ज़्यादा जो है वो टाइम आपका ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी कर लेते हैं बातें, और लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अभी जो है वो करेंगे थोड़ा सा काम जो रह गया है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी होती है तब भी हमें परेशानी होती है, और जब समर वेकेशन स्टार्ट होता है तो भी हमें परेशानी होती है, और जब ठंड का मौसम आता है, वेदर चेंज हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। ज़रा भी गर्मी जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, बट काम तो करना है। तो चलिए बस मिलते हैं फिर आपसे कुछ देर के बाद, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो चलिए, ये वाली टेबलेट आप भी खाइएगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत हेल्थ के लिए अच्छी है। फिर भी अपने डॉक्टर से मालूम कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने डॉक्टर को जो है वो दिखा दी थी, उन्होंने कहा कि ये यहाँ का जो कैल्शियम है ना उससे तो बहुत बेहतर है, आप खा सकती हैं। और मैंने जो है आई थिंक मैंने एक महीना ही जो है वो खाई होगी, भाई ने जो मुझे भेजी थी ना वो एक साल तक की टेबलेट अभी तक पड़ी है, मैंने देखी नहीं एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, तो अभी एक्सपायर नहीं होगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि गर्मी है तो अब स्टार्ट कर दूँगी सुबह नाश्ता करने के बाद, क्योंकि खाली पेट हम इसे नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये एक ही टेबलेट लेनी है, ये एक ही बहुत ज़्यादा है, आपको एनर्जी फुल रखेगी, आपके बाल भी, मेरी स्किन भी काफ़ी इससे अच्छी हो गई थी, ठीक है। तो चलिए बस ये था आज का मेरा टॉपिक, और मिलते हैं फिर आपसे कुछ देर के बाद। तो फाइनली व्यूअर्स लाइट जो है वो आ चुकी है अभी, और अभी मैंने जो है वो लगा दी है मशीन, कपड़े जो है वो थोड़े हैं तो मैंने कहा चलो कपड़े धो लेते हैं, थोड़े से कपड़े हैं, और काम सारा हो चुका है घर का, और अभी जो है वो लाइट है तो मैंने कहा चलो आज थोड़े कपड़े थे तो मैं तो धो लेती हूँ, और कुछ दिन जो है वो आपको यहीं पे काम नहीं है, क्योंकि आप लोग पूछें इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं जो है वो कुछ टाइम के लिए यहीं पर हूँ, तो आपको यहीं के ब्लॉग मिलेंगे मेरे। और अभी मैं जो है वो लगाई है मशीन, क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं मेरे का जो धो लेती हूँ, और अभी खाना देखते क्या बनेगा, तो खाने में देखते क्या बनाती। कल जो है वो हमने बनाया था चिकन पुलाव, और पनीर भी बनाई थी, चिकन पुलाव बनाया था, तो वो भी जो है वो भी रखा हुआ है। वैसे हमारे घर में जो है वो डेली खाना बनता है, क्योंकि जो है वो एक दिन का भी अगर खाना बच जाए ना तो कोई नहीं खाता, रोज़ डेली जो है वो शाम के टाइम पे खाना बनता है। तो अभी देखते क्या बनाऊंगी मैं, अभी बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि पिज़्ज़ा वगैरह कुछ बना दूँ, और अभी जो है वो पिज़्ज़ा अगर बनाऊँगी तो आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, वरना जो है वो इंशाल्लाह अभी थोड़े यहाँ पर जैसे मैं क्लीनिंग वगैरह का ब्लॉग मैं नहीं बना रही हूँ, अब थोड़ा सेटिंग कर लूँगी, इसके बाद आप लोगों के साथ क्लीनिंग वगैरह के और खाने पीने के भी ब्लॉग शेयर किया करूँगी। तो अब सारा काम जो है वो मेरा ही है, मैं करूँगी अब सारा काम, वैसे तो मैं करती ही हमेशा अम्मी के घर पर, और अभी जो है वो अभी जो है वो बस कपड़े वगैरह धोऊँगी, ठीक है, और बच्चों के लिए सोच रही हूँ, बच्चे कह रहे थे हमें पिज़्ज़ा खाना है, और रेसिपी शेयर कर पाई तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि अगर अंधेरा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। तो वैसे पिज़्ज़ा मैंने जो है वो आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है, मैंने कहा चलो फिर भी कर दूँगी, मेरे पिछले ब्लॉग में जो है मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी भी डाली है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। आजकल तो कोई मुश्किल काम नहीं, सभी को हर काम आते हैं, हर कोई टेंशन है,
कोई ऐसा ना कहे कि हम जैसा कोई नहीं है, सभी अल्लाह का शुक्र है। सब जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कोई किसी को अपने आप से कम ना समझे, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही थी, तो मैंने लगाई थी मशीन, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सारा काम जो है घर का फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं खाने में जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कल बनाए थे पुलाव, रोज़ की टेंशन है कि क्या खाना बनाए और क्या ना बनाए। तो आज देखते हैं क्या बनाते हैं। रोज़ सुबह होती है और हमें यही टेंशन हो जाती है कि हम क्या बनाएंगे खाने में। हर किसी की यही प्रॉब्लम है, हर घर की, हर लेडीज़ की यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे क्या खाएंगे और घर में जो है वो अब्बू है, भाई है, अपने जो भी है वो क्या खाएंगे, फैमिली मेम्बर्स क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जेंट्स, ठीक है, तो उनका सबसे ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं तो फिर अच्छा गर्मा गर्म खाना होना चाहिए। तो अम्मी तो शुरू से ही शाम को ही खाना बनाती हैं, ये हमारा शुरू से अम्मी के घर का भी यही रूल है और मेरे घर का भी, कि हम शाम में इसलिए बनाते हैं कि शाम में बनाने का ये होता है कि शाम में सब 8-9 बजे तक हमारा खाना पीना हो जाता है, तो इस वजह से हम शाम में बनाते हैं खाना, ताकि अच्छा सा जो है वो खाना मिलना चाहिए जेंट्स को, क्योंकि बेचारे इतना ज़्यादा काम करके आते हैं तो फिर खाना भी गर्मा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अम्मी कहती हैं, अम्मी ये कहती हैं कि अच्छा से शाम को बनाओ, क्योंकि बाज़ जैसे हर किसी की रूटीन अलग होती है, हर कोई जो है वो जल्दी खाना बना लेता है, पर हमारा ये रूल नहीं है, हम जो है वो शाम को ही खाना बनाते हैं, फ्रेश रोज़ डेली ही बनता है। एक दिन के अगर थोड़ा भी बच जाए ना तो कोई नहीं खाता, ये और नहीं तो खा लेती, वही खा लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वेस्ट करना बहुत ज़्यादा होना है, अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है, उस हिसाब से आपको जो भी मिले अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लेना चाहिए, और मैं भी खा लेती हूँ। और वक्त ने यही सिखाया है, वक्त खाना जो है इंसान को सब सिखा देता है, क्योंकि मेरे भी बहुत ज़्यादा वही नखरे थे, बहुत ज़्यादा मैं नखरे करती थी, खाना बाहर का होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट अभी सब जो है वो अल्लाह का शुक्र है, अम्मी ने समझाया और वक्त और हालात ने मुझे जो है सुधार दिया है। तो यहाँ पर जो है वो मेरे उल्टे के कपड़े मैंने मुश्किल लगा दी थी, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। और यहाँ जो है अम्मी बैठी हुई हैं और अम्मी जो है वो कुछ कर रही हैं, कुछ काम वगैरह, एक्टिव रहने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए, बैठ बैठ कर जो है वो आराम करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी ही चाहिए हमें। तो चलिए मैं इसमें मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। जब भी मैं सोचती हूँ कि आज छोटा व्लॉग बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और अभी जो है वो काम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोई सेटअप नहीं बना हुआ, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो अभी वो सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं अपना सेटअप बनाऊँगी, यहाँ के ही लोग आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है, आप लोग सवाल ना करें इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। तो चलिए व्यूअर्स देखती हूँ कि मैं आपको कुछ देती हूँ। तो फाइनल व्यूअर्स, ये देखिए कपड़े जो है वो मेरे धुल चुके हैं, बस अब थोड़े बहुत रह गए, वो भी मैं फटाफट से जो है वो धो लूँगी, क्योंकि लाइट सिर्फ हमें 1 घंटे के लिए मिली है, तो इस हिसाब से, और आप कहेंगे कि ये तो बार बार जो है वो लाइट का ही जिक्र करती है, तो लाइट नहीं होती तो इस वजह से लाइट का जिक्र करना पड़ता है। और यहाँ अम्मी ने जो है मुझे फ्रूट्स काट के दे दिए, तो मुझे थोड़े से खा लो, आराम कर लो, उसके बाद बाकी काम कर लेना। तो मैं और हानिया जो है यहाँ बैठ कर वही फ्रूट्स खा रहे थे, और गर्मी में जो है वो बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो चलिए व्यूअर्स, फिर जो है वो मिलते हैं कुछ देर के बाद। और यहाँ फाइनली जो है अभी रात का टाइम है, और रात को बना पी रहे हम चाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।